अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए मिक्स वेजिटेबल पुलाव और कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल, इजी और डिलीशियस रेसिपी है। एक विंटर स्पेशल लाइट फूड है। तो चले देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। तो इसके लिए एक बर्तन में हम 2 टेबलस्पून के जितना घी लेंगे। इसे चाहे तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका मज़ा अच्छा आता है। इसमें मैं 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज़पत्ता, 3 हरी इलायची, 3 लौंग और मैंने आधा फूल लिया है बादियान का। बस इतने ही गरम मसाले इसमें काफ़ी है। इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं जाते हैं। बहुत ही लाइट और सिंपल बन के तैयार होता है, फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है ये। तो इसमें थोड़े से काजू और किशमिश भी मैंने डाले हैं। काजू और किशमिश को लो फ्लेम पर बस हमें थोड़ा सा सॉटे करना है। ये जल्दी से लाल हो जाते हैं, तो ध्यान रहे इसे बहुत ज़्यादा ना पकाएं। इसके बाद 1 टीस्पून अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने ऐड किया है। अदरक हरी मिर्ची की पेस्ट को 30-40 सेकेंड्स के लिए थोड़ा सॉटे कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 कप मिक्स वेजिटेबल डाल रही हूँ। तो इसमें है मटर, फ्रेंच बीन्स और कैरेट है। ये देखिए अभी से ये दिखने में कितना कलरफुल लगता है। ये सारी वेजिटेबल्स को 1 से 2 मिनट के लिए बस हमें फ्राई कर लेना है घी में। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा फूलगोभी भी ऐड करूँगी। तो ये मैंने 1/2 कप फूलगोभी लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह ब्रोकली भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आलू के भी छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। आपको जो भी सब्जियां पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सब्जियों को बस हमें थोड़ा सा भून लेना है। इसी के साथ मैंने चावल लिए हैं। ये 1.5 कप बासमती के राइस है, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगा कर रखा था। उसका पानी ड्रेन करने के बाद चावलों को हम सब्जियों में ऐड करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसे हम मिक्स करेंगे। इस तरह से चावल में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाता है और हमारे चावल बहुत ही खिले खिले बनके तैयार होते हैं। तो इस तरह से बस हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है। तो मैंने जिस कप से चावल मेजर करके लिए थे उसी कप से मैं पानी ऐड करूंगी। तो 1.5 कप चावल है, तो इसके लिए मैं 2.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। हमेशा ऐसे होता है कि हम चावल की डबल क्वांटिटी में पानी ऐड करते हैं, लेकिन क्योंकि ये चावल भिगाए हुए हैं इसीलिए मैं 1/2 कप का डिफरेंस रखूँगी। 3 की बजाय 2.5 कप ही पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। ये परफेक्ट है इन चावलों को पकाने के लिए। तो पहले चावलों को हम हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने देंगे। हाँ, इसी में नमक भी ऐड करेंगे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिए। और ये 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम चीनी है। चीनी डालने से ये मीठा तो नहीं होगा, लेकिन इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। तो आप इतनी सी चीनी डाल के देखिए ज़रूर। तो अब इसे एक बॉईल आने देंगे। जब इसे इस तरह से बॉईल आने लगे तो फ्लेम को मीडियम करेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो देखिए इसका पानी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी भी नीचे नीचे थोड़ा सा पानी बचा है। तो इसका पानी पूरी तरह से हमें ड्राई कर लेना है। तो इस तरह से जब इसका पानी पूरा ड्राई हो जाए ना, तो हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और फ्लेम को लो करके इसे कवर करके दम पे छोड़ देंगे। तो 10 मिनट लगेंगे इसे दमाने के लिए। तो उतनी देर में हम इसकी कढ़ी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1/2 कप दही लिया है, जिसमें मैं 2 टेबलस्पून बेसन शामिल कर दूंगी और साथ ही 1 टीस्पून चीनी। आपको अगर कढ़ी ज़्यादा बनानी है तो आप 1 कप दही और 4 टेबलस्पून बेसन ले सकते हैं। इस दही और बेसन के मिक्सचर को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें बेसन के कोई लम्स ना रह जाए। इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी अभी ऐड कर रही हूँ। पानी डाल के भी इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब
जिस बर्तन में हमें कढ़ी बनानी है उसमें एक टेबलस्पून घी लेंगे। घी के साथ ही इसमें दो लौंग, एक हरी इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे। इस तरह से कढ़ी बनाने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में। साथ ही दो सूखी लाल मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी है। आधा टीस्पून अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कड़ी पत्ता और अदरक लहसुन की पेस्ट क्रैकल हो जाए तो इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। ये 1/8 टीस्पून के जितनी हींग है। हींग डाल के हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1/4 कप के जितना, ताकि हमने जो अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है वो जले ना। और इस तरह से पानी बॉईल करने से इसमें फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो जब पानी को एक बॉईल आने लगे तो इसमें हमने जो दही और बेसन का घोल बनाया है ना वो ऐड करेंगे। फ्लेम को हमें थ्रू आउट लो ही रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर कभी कभी दही फट भी जाता है। तो लो फ्लेम पर हम दही का घोल डालेंगे इसमें और कंटिन्यू इसे हिलाते हुए पकाएंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। और इसे कंटिन्यू हिलाते हुए लो फ्लेम पर हमें इसे एक बॉईल आने देना है। देखिए इसे बॉईल आ रहा है। लो फ्लेम पर ही हमें कढ़ी को पकाना है। इसे भी दूध की तरह ऊपर तक बॉईल आता है, तो ध्यान रखें कि कढ़ी के लिए बर्तन हमेशा थोड़ा सा बड़े साइज़ का ही यूज़ करें। ये कढ़ी हमारी रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। फिर से इसे एक बॉईल दे देंगे हम और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चलिए चावलों की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारी चावलों को बहुत अच्छा सा दम आ गया है और आप देख सकते हैं कितने कलरफुल और कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं। तो इसे हम इसी तरह से 5 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। तो आपको मेरी ये सिंपल और इजी बट डिलीशियस रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।